हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी हिंदी शायरी कैसे बनाए, वो भी अपने कंप्यूटर में बिना कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। अब हमने हमारा इंटरनेट ओपन कर लिया, यहाँ पर हमारा करेक्टर स्टूडियो ओपन कर लेते हैं हम। और एक तरफ से आपको मैं दिखा रहा हूँ, हमारा फोन में करेक्टर स्टूडियो है, उसको ओपन कर लेते हैं हम। एक हमने यहाँ पर वीडियो डाल रखी है डाउनलोड करके, छोटी सी वीडियो है 20-30 सेकंड की, और उसमें हम देखते हैं ऑनलाइन हमारे कैसे टाइपिंग करते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम बोल के लिख रहे हैं, माइक से हमने ये लिख दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे ऊपर की तरफ से। हमने इसको सेव कर देने के बाद में हम पीसी की स्क्रीन पर आ जाते हैं। ऊपर से इसको रिफ्रेश करके अब हम देखेंगे वो हमने लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ गया। यहाँ को कॉपी करके हम इसको EDS को ओपन करेंगे, और EDS की जो फाइल हम एडिट कर रहे हैं वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। इसको आप देख लीजिए, अब हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। पेस्ट कर देने के बाद हम जो भी इसकी पोजिशन रख रहे हैं उस पोजिशन को अच्छी तरह सेट करके, और इसकी जो पोजीशन है इसको नंबर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और वैसे भी। अब हमने ये तो कंप्लीट कर दिया, और दूसरे की हमने कॉपी कर ली। जैसे कि हमने दो लिखने हैं, दूल्हे को दुल्हन के गोरे गोरे गालों को मुबारक, हमने दो लिख दिए यहाँ पर। दूसरा लिंक को और हम कॉपी करेंगे जो हमारा लिखा हुआ था, जो हमने माइक से बोल के लिखा था, फोन के जो माइक है हमारा उससे हमने बोल के लिखा हुआ था, और उसको भी हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने इस तरह से रख दिया। रख देने के बाद में हम देखेंगे ये हमारी पोजीशन अच्छी तरह सेट हो गई। अब हम इसका जो भी कलर है उस कलर को हम अच्छी तरह से मैच कर लेते हैं। जो हमारा कलर है पोजीशन है इसकी अच्छी तरह सेट करके हमने इसको ओके कर दिया। आप देख लीजिए ये यहाँ से कट कर देने के बाद में ओके करेंगे तो ये हमारी लेयर ऊपर की तरफ रखेंगे हम इसको। फिर हम एक कलर मैट लेंगे यहाँ पर, कलर मैट में हम कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट करके यहाँ छोड़ देंगे। आपकी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए, आपने जो भी अच्छा लग रहा है। हमने हमारी मर्जी से ये 3-4 कलर यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, और इसकी एक अच्छी सी हम यहाँ पर परत बना लेंगे जो कि हमने डेकोरेशन सीनरी की बहुत अच्छी लगे। इसी तरह से आप भी अपनी सीनरी की डेकोरेशन आप कर सकते हो EDS में, बिल्कुल आसानी से हो जाती है। जो कि ये हमारा लिखा हुआ था बहुत अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार से आपने भी लिखना है। और हमने एक क्लिप और ऐड की है, और आप डबल क्लिक भी कर सकते हो 2-3-4। अब हम इसमें फ्रेम और एडजस्ट कर देंगे। अब हम हमारे ये देख लीजिए, अब हम एक फ्रेम यहाँ पर सेट करना है हमने इसको। अब हम नीचे की तरफ से जाके हमारे कंप्यूटर की तरफ से हम एक फ्रेम लेना है इस पे, इसके ऊपर अच्छी तरह एडजस्ट करके आपको दिखाएंगे जो कि फ्रेम इसको ऊपर कैसे शूट कर रहा है। अब हम इसकी पोजीशन EDS 6 में हम एडिट कर रहे हैं, इसकी पोजीशन इस प्रकार से हमने सेट की हुई है जो कि हमारा सीनरी बहुत अच्छी लग रही है। अब हम आपको दूसरी सीनरी ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी सेम इसी प्रकार से हमने क्रिएटर स्टूडियो ओपन किया है, वहां पर हमने माइक से बोल दिया और यहाँ पर हमने कॉपी किया। कॉपी कर देने के बाद में सेम ही पोजिशन है जैसे कि हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, और अब हम नंबर डाल के हम इसकी जो भी पोजिशन रखनी है वहाँ पोजिशन अच्छी तरह से सेलेक्ट कर देंगे, और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं दूसरे वाले को। कॉपी कर देने के बाद में इसको भी अच्छी तरह से सेट करेंगे, और ये हमने दूसरा वाला भी कॉपी किया और यहाँ पर भी हम सेलेक्ट करके अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे। और अब हम जो भी हमारा कलर है कलर को सेलेक्ट कर देंगे अपनी मर्जी से, कितने भी कलर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कैसे कलर सेट किया जाता है और किस प्रकार से हम इसकी पोजीशन तैयार करेंगे। और ये हमने इसमें 3-4 कलर डाल दिए हैं,
और दूसरी के अंदर भी हम तीन चार कलर डालेंगे ताकि हमारी सीनरी बहुत ही अच्छी लग जाए। और ये देख लीजिए, हमने इसको बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट किया हुआ है। आप भी इसी प्रकार से जो भी अपने कलर सेलेक्ट करना चाहते हो वो कलर सेलेक्ट कीजिए। हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है, अब हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। नीचे हम हमारा एक कलर मैट सेलेक्ट कर देंगे। जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है वो भी अपना कलर मैट लगा सकते हो, या कलर मैट के थोड़ा आप कोई भी सीनरी यूज कर सकते हो, कोई फोटो या कोई इमेज, कोई भी आपको अच्छी लग रही है वो अपनी सेलेक्ट कर लीजिए बैकग्राउंड की थोड़ पर। अब हम यहाँ पर कलर मैट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं बैकग्राउंड की तरफ से। जो भी हमें कलर अच्छा लग रहा है वो मैच करेंगे। आप भी अपने हिसाब से जो भी कलर सही लग रहा है वो सेट कर लीजिए। हमने लगभग ये रेड कलर सही लग रहा है यहाँ पर। और हम यहाँ पर इसको देख लीजिए, एक कलर और सेट करेंगे यहाँ पर। ये कुछ खास नहीं लग रहा है यहाँ पर, हमने एक कलर और सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैच कर रहा है। अब हमें यहाँ पर एक फोटो लगाएंगे जो कि गुलाब की है, उसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। और ये देख लीजिए, हमारा हिंदी से टाइपिंग किया हुआ सीनरी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गई। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, लाइक करना तो ना ही भूलें, लाइक करें। और पास में बेल आइकन का बटन पाएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं।